697 वार्ड है आपका, काम पूरा, हर घर नल का जल, उसमें 327 वार्ड में काम पूरा और तेजी से बाकी काम चल रहा। काम के लिए हमने किसी इलाके को छोड़ा नहीं, और आपका इलाका तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो हर गांव में हम सोलर स्ट्रीट लाइट लगाएंगे, रात में घर का बत्ती बुझाइएगा और पूरे गांव में उजाला ही उजाला रहेगा। और जान लीजिए, हम तो यहां के बारे में आपको बता देना चाहते हैं कि आपके यहां आलमनगर विधानसभा क्षेत्र में जो घर तक पक्की गली और नाली, 697 वार्ड है आपका, काम पूरा। ग्रामीण टोला संपर्क योजना में 9 बसावटों को संपर्कता प्रदान की गई। हर घर नल का जल, उसमें 327 वार्ड में काम पूरा और तेजी से बाकी काम चल रहा। तो एक एक चीज, और ग्रामीण सड़कों को का निर्माण कराने के लिए कुल 133 ग्रामीण सड़कों का निर्माण कराया गया, कुल लंबाई उसकी 346 किलोमीटर, और इसमें कुल लागत आई है 269 करोड़ रुपया। तो किसी भी काम के लिए हमने किसी इलाके को छोड़ा नहीं, और आपका इलाका तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता है इसके लिए। तो हर काम के लिए भाई, जो हमने बताया भाई, नरेंद्र जी जो बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, काम तो करते ही है। हम आपके बीच यही कहने आए भाई, हम लोगों को मौका दिया, हमने काम किया। अब आप फिर आगे मौका दीजिएगा तो हम कुछ बात आपको बता देना चाहते हैं। अगर अगली बार मौका दिया, अब तो हर घर बिजली पहुंचा दिया है, अगली बार मौका दीजिएगा तो हर गांव में हम सोलर स्ट्रीट लाइट लगाएंगे, रात में घर का बत्ती बुझाइएगा और पूरे गांव में उजाला ही उजाला रहेगा सोलर लाइट। कहीं भी घर से निकलिएगा, कोई दिक्कत नहीं। और गांव में जितना काम करवाया, सबका देखभाल, और सबसे बड़ी बात है साफ सफाई, शहर हो या गांव, सब जगह करवाएंगे बड़े पैमाने पर, ताकि पर्यावरण पर कोई संकट नहीं आए। आप तो जानते हैं पर्यावरण के संरक्षण के लिए जल जीवन हरियाली अभियान हम लोगों ने चलाया, कितना बड़ा अभियान चलाया। और आप जानते हैं, लोग चर्चा बहुत नहीं करते हैं, लेकिन आप जान लीजिए, अभी पिछले महीने 24 तारीख को यूनाइटेड नेशन ने हमको अनुरोध किया कि आप बिहार में जो काम की उस पर आप वहीं से कुछ बता दीजिए। हमने उस बात को बताया 24 सितंबर को, और उसके बाद ये भी कह दिया कि हमारे जो राष्ट्रपिता हैं बापू, उन्होंने तो 100 साल पहले ही लोगों को अलर्ट किया और पहले, और कहा कि देखो ये धरती सबकी जरूरत को पूरा करने में सक्षम है, लेकिन लालच को पूरा करने में सक्षम नहीं है, इसलिए लालच मत करो। अब आप बताइए, एक एक बात को हम लोगों ने बताया, तो जो भी जिम्मेवारी आपने दिया, तो इसीलिए जो हम कह रहे हैं साफ सफाई, ये और अच्छे तरह हम नाले का निर्माण करवा रहे हैं, सब कुछ करवा रहे हैं, साफ सफाई बहुत जरूरी है।